आप सभी शिव भक्तों को बंगला नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल से पहले ही बाबा भोलेनाथ का एक विशाल तस्वीर बाबा मंदिर में लगने जा रहा है, तो कहां पर यह तस्वीर लगेगा सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब इस प्रकार से तस्वीर को ऊपर लेकर जा चुके हैं और यहाँ से लेकर उधर जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस जगह पर ये तस्वीर लगेगा बाबा भोलेनाथ का। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। अभी मैं हूँ मंदिर प्रांगण में और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक बड़े से फोटो फ्रेम में बाबा भोलेनाथ का जो है तस्वीर को लगाया जा रहा है। और वो फोटो फ्रेम कहाँ पर लगेगा चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये रहा बाबा बैद्यनाथ का मंदिर और यहाँ पर सामने यहाँ पर आपको एक फ्रेम दिख रहा होगा। बाबा मंदिर का जो बोर्ड लगा हुआ है उसके बस बीच में, दोनों बोर्ड के बीच में आपको एक फ्रेम दिख रहा होगा। वहाँ पर एक बाबा बैद्यनाथ का जो है फोटो यहाँ पर रहता था, लेकिन वो फोटो अभी नहीं आपको दिख रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा जो है पुराना हो चुका था, फट चुका था। लेकिन अब वहाँ पर नया फोटो लगाया जाएगा और आज ही यहाँ पर ये फोटो लगने वाला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फोटो जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। जगह आपने देख लिया जहाँ पर वो फ्रेम है और फोटो कहाँ पर तैयार हो रहा है चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी मंदिर प्रांगण होते हुए ही जाएंगे और फोटो प्रिंट होके आ चुका है, उसको फ्रेमिंग करने का काम चल रहा है। उसके बाद फिर इधर से लेकर जाएंगे, वहाँ पर सीढ़ी लगा हुआ है, ऊपर से जाकर इस जगह पर लगाएंगे। देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर अभी जो है ये फोटो तैयार किया जा रहा है। देख सकते हैं ये रहा निकास द्वार, अभी बंद है। और ये सीढ़ी जिसका मैं बात बोल रहा हूँ, इधर से ही फोटो को चढ़ाया जाएगा। तो बाबा मंदिर के ठीक पीछे आप देख सकते हैं राम सीता लक्ष्मण मंदिर जो है, वहीं पर इस फोटो का जो है अभी फ्रेमिंग करने का काम चल रहा है। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए अभी फोटो जो है फ्रेम करने का काम चल रहा है और कुछ ही देर में बाबा के मंदिर के ऊपर ये फोटो लगाया जाएगा। चलिए जानकारी लेते हैं कहाँ से आए हुए हैं बम जी लोग। तो देखिए ये जो बैनर है अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और जो भी डोनेट कर रहे हैं वो बता रहे हैं मेरा नाम आपको नहीं लेना है, आप ये सिर्फ दिखाइए जो बाबा का ये जो तस्वीर है जो कि मेन जगह पर जो लगा हुआ था बाबा मंदिर के फ्रंट में ऊपर में, वो जो थोड़ा सा खराब हो चुका था वो फिर से रिपेयर होकर नया तस्वीर आज लग जाएगा। तो जो भी यहाँ पर बम जी है बाबा के भक्त हैं उन्होंने बताया जो है नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। तो आप दिखा दीजिए ये जो अभी लग रहा है, इसे आप दिखा सकते हैं। तो देख सकते हैं यही बम जी लोग हैं जो कि अभी लेके जा रहे हैं इसको लगाने के लिए। हर हर महादेव। तो बाबा भोले के ऐसे भी भक्त हैं जिनको काम से मतलब है, नाम से मतलब नहीं है। तो देख सकते हैं अभी इस जो है बोर्ड को लगाया जाएगा कुछ ही देर बाद बाबा के मंदिर के ऊपर में, और तैयारियाँ अभी चल ही रही है। तो ये देखिए इस प्रकार से तैयारियां हो रही है और ये पूरा बनके तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से बंगला नववर्ष से पहले ही बाबा धाम में ये नया तस्वीर बाबा भोलेनाथ का लगने वाला है और ये वीडियो आप लोगों को नए साल में देखने को मिलेगा। बंगला नववर्ष के दिन ये वीडियो पब्लिक होगा। फोटो तो यहाँ पर चिपका दिया गया, फ्रेम जो है कि किया जा रहा है पूरे तस्वीर को, उसके बाद बाबा के मंदिर में लगा दिया जाएगा। तो जो भी लगा रहे हैं उनको आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने नाम बताने से मना किया, कहाँ से आए हैं वो भी बताने से मना किया, इसलिए मैं ये सारा कुछ नहीं बता रहा हूँ। अब देख सकते हैं ये जो है अब तैयार हो चुका है, कुछ ही देर में बाबा के मंदिर में ये लग जाएगा, वो भी आगे हम आपको दिखाएंगे, बने रहे वीडियो में। तो अब आप देख सकते हैं इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ के इस विशाल का तस्वीर को लेकर जा रहे हैं मंदिर में, जहाँ पर मैंने आपको जगह दिखाया था, जो जगह खाली था वहाँ पर लगाएंगे। देखिए किस प्रकार से सबको इंतज़ार कर रहे थे बहुत देर तक, जो है इसमें काम चला और ये नया तस्वीर अभी लगेगा बाबा भोलेनाथ का मंदिर के वहाँ पर सामने के तरफ, बाबा भोलेनाथ के मंदिर के एकदम सीधे में। और ये सामने रहा मैया पार्वती का मंदिर, तो दो सीढ़ियाँ लग चुकी है, देखिए किस प्रकार से इसे उठाया जाएगा। तो एक सीढ़ी लेकर उधर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रेमिंग करने में सुविधा होगा। देख सकते हैं अभी ये अब जो है पंडा बाबा जी भी ऊपर चढ़े और पकड़ेंगे इस प्रकार से इस तस्वीर को बाबा भोलेनाथ का, जो कि लगभग 5 फीट लंबा है और ये फ्रेम थोड़ा खुल चुका है। चलिए मैं भी थोड़ा मदद करके पकड़ देता हूँ। देखिए अब इस प्रकार से तस्वीर को ऊपर लेकर जा चुके हैं और यहाँ से लेकर उधर जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस जगह पर ये तस्वीर लगेगा बाबा भोलेनाथ का।
ये देखिए अब तस्वीर को लेकर जा रहे हैं। नीचे वाला फ्रेम जो है थोड़ा ढीला है, खुल गया, वहीं पर ले जाकर उसको टाइट कर देंगे। चलिए मैं आपको लिए जाता हूँ जहाँ पर ये तस्वीर लगेगा, बाबा भोलेनाथ के मंदिर के ठीक सामने। और मंदिर प्रांगण अभी इस प्रकार से फांका नजर आ रहा है, इससे पहले के वीडियो में मैंने सारा कुछ दिखाया आपको। और ये देखिए तस्वीर को लेकर जा रहे हैं इस प्रकार से, सामने ये लगने वाला है। अब जो है कुछ भक्त धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि संध्या आरती कुछ ही देर में प्रारंभ होगा, शाम का समय हो चुका है। और ये पूरा इस जगह पर आपको अभी फांका फांका नजर आ रहा है, यहीं पर ये बाबा भोलेनाथ का तस्वीर लगने वाला है। फ्रेम अभी खाली नजर आ रहा है, देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए तस्वीर को लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसी जगह पर इसे लगाया जाएगा। तो देखिए अब इस प्रकार से तस्वीर को इस फ्रेम में लगा दिया जाएगा, जिसके लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। और आज संयोग से मुझे भी मौका मिला इस वीडियो को शूट करने का। और तो देखिए इस प्रकार से फ्रेम को यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो ये जगह खाली खाली नज़र आ रहा था अभी आप लोगों को, और अब इस जगह में पूर्व के तरह ही नया फ़ोटो लग चुका है। तो ये फ़ोटो कैसा है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग लगा रहे हैं वो देख सकते हैं यहीं पर है, लेकिन उन लोगों ने नाम वगैरह बताने से इनकार किया है। तो बाबा के ऐसे ऐसे ही भक्त हैं जो कि नाम में नहीं काम में विश्वास रखते हैं। देखिए इस प्रकार से जो है जिस जगह पर बाबा का फ़ोटो था उसी जगह पर लग चुका है। और ये जो है एक अंकल है और ये आंटी जी लोग, यही लोगों इन्हीं लोगों के सौजन्य से ये लग रहा है। इधर मैया पार्वती का मंदिर और सामने बाबा के मंदिर में ये तस्वीर लग रहा है एकदम सामने के समय, जहाँ पर ये कुंड जलता है, जहाँ पर आप अगरबत्ती वगैरह देते हैं, बस इसी के सामने ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है तस्वीर लग चुका है, सिर्फ इसको नट वोल्ट में जो है कसने का ही देर है, जिसका काम अभी चल ही रहा है। और मेरे साथ जो अभी भैया थे वो ऊपर में अभी गए हुए हैं, पकड़े हुए फ्रेम को, देखिए किस प्रकार से इसको लगाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है बाबा का मंदिर, फाका फाका नज़र आ रहा था क्योंकि ये जो है यहाँ पर खाली था, अभी उतारा गया था इसको नया लगाने के लिए। तो ये देखिए इस प्रकार से जो है यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का ये बड़ा सा तस्वीर लग चुका है और बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैया पार्वती का मंदिर और बाबा का आंगन इस प्रकार का भी नज़र आ रहा है, सामने मैया काली का मंदिर। और इस प्रकार से अब हम लोग बाहर के तरफ चलेंगे और सिर्फ जो है वहाँ पर नट वगैरह कसना ही बाकी रह गया। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं इस तरफ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि ऐसा ही मौका मिला जब हम यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे उसी दौरान मुझे ये दिखा ये फ्रेम लगाते हुए। तो जो भी लोग यहाँ पर लगवा रहे थे उन्होंने बताया नाम नहीं हमको चाहिए, आप वीडियो बना लीजिए और दिखा दीजिए कहाँ से है कौन है ये नहीं बताना। तो मैंने उन लोगों का चेहरा भी आप लोगों को दिखा दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, साथ ही चैनल पर नए या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ।